सौरभ जोशी को तो लाइक कर दे, तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है लाइफ में, तो लाइक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। तो क्या करूं ना हूं? तो चलिए आ लेते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे वर्क कर सकते हैं उसके लेवल लॉजिक लर्निंग्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं, कल एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है, तो वो ध्यान रखना कि एक्सपायरी पे एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है और आप उसके अपोजिट साइड में ना फंस जाओ, है ना। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, क्योंकि एसबीआई का वेटेज बैंक निफ्टी में है बहुत अच्छा, है ना। मतलब एचडीएफसी से कम है बट अच्छा है, तो वो बैंक निफ्टी को 200 से 300 पॉइंट अपसाइड और डाउनसाइड कर सकता है। अराउंड 2 बजे के समथिंग रिजल्ट आएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। सेकेंड चीज, इस वीडियो में हम ओआई डेटा एनालिसिस करेंगे, है ना, कि मार्केट को हमको कल का डायरेक्शन दिखाएगा, है ना, मार्केट ओआई चेन के थ्रू। और थर्ड चीज जो आती है वो हम 3 PM अपनी स्ट्रेटेजी डेफिनेटली जानेंगे कैसे वर्क कर सकती है, जिसमें हमका 10 का 50 बोलते वो होता है, तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए अभी हम करते अपना वीडियो स्टार्ट। होप सी गाइस, दिख रहा होगा मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है डेट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना है, जो कि अभी टॉप पे बना है, तो हो सकता है हमको एक बेरिश मोमेंटम दिखा दे, बट कहीं ना कहीं मार्केट स्टिल पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई ऐसा बड़ा सेल ऑफ नहीं दिखा है। आज भी दिखा है बट मार्केट इतना अच्छा पॉजिटिव है कि इसको हम ऐसा सेल ऑफ नहीं कंसिडर करेंगे। चलिए अभी हम एक बार इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। होप सी गाइस, दिख रहा होगा। देखो जब भी मैं 50 EMA की बात करता हूँ, कल भी मैंने बात किया था और जो लेवल्स दिए थे परफेक्टली वर्क किया है ना। मैंने बोला था कि जो 200 EMA है वो 43,600 यहां तक है ना। अगर मार्केट है 43,800 नहीं और कंसीडर किया तो यहां तक आ जाएगा 200 पॉइंट मोमेंटम। हम लोग ने भी अच्छा प्रॉफिट किया, होप सो गाइस आपने भी बुक किया होगा। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी देखो कैसे वर्क कर सकता है कल के लिए हम देख लेते हैं। 50 EMA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज मार्केट 50 EMA के ऊपर नहीं गया, दैट इज वाई हमको एक सेल ऑफ मिला और फिर अपसाइड गया, तो 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। कल हमको बड़ा कैसा हम ट्रेड कर सकते हैं, कल अगर मार्केट 43,800 के ऊपर ओपन होता है, 50 EMA के ऊपर सपोर्ट लेता है ना, थोड़ा कंसोलिडेट होता है, उसके बाद अगर अपसाइड जाता है तो हमारे लिए एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। रीज़न क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, हम विथ लॉजिक पूरा ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखो मेरे पास बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी का ओआई चेन ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 43,800, 43,900, 44,000 पे कितने लोग यहाँ पे कॉल शॉर्ट करे बैठे हैं, ठीक दिख रहा है, मतलब बहुत सारे लोग कॉल शॉर्ट करे बैठे हैं। तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और 50 EMA है तो इतना इजीली तो ब्रेक करेगा नहीं, अगर 50 EMA के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये लोगों का SL हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर मार्केट जितनी भारी क्वांटिटी में बैठे हैं ना, ये लोग भगना चालू कर देंगे और फिर मार्केट एक शूट कर सकता है, ठीक है। बट बाइंग कब करनी, बाइंग करना जब ये 44,150 के ऊपर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक्सपायरी थीटा टिके होता है, पैसा गलता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेलिंग साइड कब करना, जब 43,400, ठीक है, 43,400 जब ब्रेक करेगा। क्यों 43,500 के नीचे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आज ट्रैप कर चुका है कई बार, कई लोगों को ट्रैप करके अपसाइड रिवर्सल कर गया। तो जब 43,400 ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी 43,000 तक। बट है ना, देखो दोनों लेवल क्यों बताता हूँ, क्योंकि हम एज अ ट्रेडर हमको पैसे से मतलब है, अपसाइड में बने चाहे डाउन साइड में। सो ऐसे सिंपल सा लॉजिक समझ गएंगे, 50 EMA को लगा के रख लो, है ना। चलिए अभी हम एक बार अपनी निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे अभी आपको दिख रहा होगा मेरे पास निफ्टी का चार्ट ओपन है डेट टाइम फ्रेम पे। निफ्टी नो डाउट यहाँ पे नेगेटिव है। चलिए एक बार इसको हम अभी 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है। होप सी गाइस, दिख रहा होगा। सबसे पहली चीज, 50 EMA के नीचे है मार्केट तो नेगेटिव रहा, उसके बाद यहाँ पे 18,100 समथिंग पे सपोर्ट लेके मार्केट ने कुछ परसेंट ऑफ दैट, मतलब 50% बोल सकते हैं, रिकवर कर लिया। कल कैसे हो सकता है, देखो उसके पहले, कल मार्केट एनालिसिस करने के पहले आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन दिखानी है। क्यों दिखा रहा हूँ, देखो 18,200 पे कितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग है, 18,250 पे भी कॉल राइटिंग है, 1 लाख 1.5 लाख ऐसी ऐसी समथिंग कॉल राइटिंग है, 18,300 है ना। तो अभी इसमें लॉजिक क्या है, क्या लोगों को लग रहा है मार्केट नेगेटिव है, बट देखो इन लोगों ने राइटिंग की, स्टिल इनको पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है ना, अराउंड 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये ऐसा ही, चलो 20 रुपये तो ठीक है, 5-10 रुपये तक के लिए लोग है ना वो कॉल को सेल करके लेके गए हैं ना, होल्डिंग करके पोजीशन लेके गए। सो ये डाउटफुल है। और अगर हम इस साइड देखेंगे तो ये देखो सब लोगों ने, मतलब जो भी पुट राइटर्स है ना, उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, यहाँ पे देखो एग्जिट कर दी, यहाँ पे सब एग्जिट, माइनस 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 सब एग्जिट कर दिए, बस यहाँ पे थोड़ा 18,200 पे ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें भी बट इसमें ज़्यादा माइनस नहीं हुआ है। एक बार आपको लॉजिक ये मैंने क्यों बताया, इससे हमको लेवल्स मिल गए। लेवल्स कैसे मिल गए, जैसे 18,200 पे हमको दिख रहा है वहाँ पे है ना कि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है,
कॉल राइटिंग है। तो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप ओपन हो गया 50 एमए के ऊपर ओपन हो गया, तो यार ये देखो क्या होगा ना, 18,200 वाले जो कॉल राइटर्स हैं इनका एसएल हिट, 18,250 वाले घबरा जाएंगे यार भैया करें क्या, है ना। सो इस सिचुएशन में, इस पैनिक सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट अपसाइड मिल जाए, बट एज अ ट्रेडर हमको दोनों तरफ देख के चलना है। अगर ऑप्शन चेन कहीं पे हमको नेगेटिव बता रही तो कहीं पे पॉजिटिव भी है। ये देखो 18,200 पे ओपन डेटा है 1,13,000, तो सेल साइड में कब जाना है 18,150 अगर ब्रेक होता है देन हम 18,100 हमारा पहला टारगेट, फिर इसके नीचे हम ट्रेल करेंगे अगर मार्केट ने ये लेवल्स ब्रेक कर दिए, क्योंकि देखो ये एक स्विंग है, डेफिनेटली कुछ लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा तो उनका एसएल यहाँ पे होगा। अगर 150 ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक अपना स्मॉल लॉट ऐड कर सकते हैं एज अ प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग, और जब ये लेवल ब्रेक होगा तो इन लोग का ऐसे लेट होगा, फिर मार्केट शार्प हो सकता है, हमको नीचे जाता दिख जाए, 18,000 तक भी दिख सकता है, ठीक है, नो डाउट, है ना। बट मैंने आपको दोनों बताया अपसाइड और डाउन साइड का, तो इसमें कोई हमको एज अ बायस नहीं है, हम न्यूट्रल है मार्केट में। अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो वेट करो, क्योंकि अपसाइड के लिए मार्केट का फिर टू, अगर साइड मतलब साइडवेज ओपन हुआ तो फिर देन 250 जब ब्रेक होगा उसके बाद ही हम बाइंग देखेंगे, और जब 50 एमए के ऊपर ट्रेड करेगा या सस्टेन करेगा। सेलिंग के लिए जब ये अगर सेफ साइड चल रहा है तो ये ब्रेक होने दो, उसके बाद हम हमारे लिए अच्छे टारगेट्स ओपन होके आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपके साथ 3 PM स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूँ, जस्ट मिनट, इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत सिंपल है ना, ज़्यादा डाउट है नहीं, ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में लगती है। क्या करना है कि जो एक कैंडल बनेगी, जो 255 से 3 PM की एक कैंडल बनेगी, जैसे आज हम देख लेते हैं 3-3-3-3-3 यहाँ पे ये एक कैंडल बनी, ठीक है, 255 से 3 PM वाली, तो जैसे ही जो 3 PM पे कैंडल बनेगी, जैसे ही वो प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक करेगी, उस जोन में या उस डायरेक्शन में हम एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट ये लर्निंग पर्पज के लिए है, तो आप कुछ समय इसको ट्राई कर सकते हो, एक लॉट से करना, ज़्यादा लॉट से नहीं करना। हो सकता है मार्केट यहाँ से आपका मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्सल हो जाए, बट ये मोस्ट प्रोबेबली उसी डायरेक्शन में जाता है। सो ये सब लर्निंग पर्पस के लिए आपको वीडियोस मिलते हैं, इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस, इतनी अच्छी वीडियोस आपको मिलते हैं ना। सौरभ जोशी को तो लाइक कर दे, तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है लाइफ में, तो लाइक नहीं कर रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। चलिए अभी आपसे मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।